क्वेश्चन नंबर वन, हाल में ही किस कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है? तो हाल में ही गूगल ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है, गूगल ने हाल में ही लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए अपनी एप्लीकेशन गूगल पे पर नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है, और इसको जो हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली, इन शहरों में लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल अपनी एप्लीकेशन पर नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है अभी हाल में ही। और इसके अलावा गूगल पे पर आपको COVID-19 से रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्रालय से गूगल प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा कि गूगल पे के द्वारा गूगल COVID-19 से रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, काम की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय से डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा गूगल पे के द्वारा कुछ अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि पीएम केयर्स फंड में आप COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए दान कर सकते हैं, और इसके अलावा सीड्स गिव इंडिया जैसे एनजीओ में भी आप डोनेट कर सकते हैं, और आपके द्वारा दिया गया पैसा चिकित्सा कर्मियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खरीदने में काम आएगा, और गांव में रहने वाले गरीब लोगों को इससे मदद मिलेगी। तो ये सेवा गूगल पे ने शुरू की है, और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, और गूगल का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। क्वेश्चन नंबर टू, हाल में ही COVID-19 सैंपल्स की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल में ही COVID-19 सैंपल्स की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है, हाल में ही ICMR ने उत्तर प्रदेश को COVID-19 सैंपल्स की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में टोटल COVID-19 के 832 केसेस सामने आए हैं, और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूल टेस्टिंग शुरू कर दी है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका असली नाम है अजय सिंह विष्ट, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। अब आइए जानते हैं पूल टेस्टिंग क्या होती है। पूल टेस्टिंग में सैंपल्स को मिक्स करके मिक्सर का टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए 10 लोगों का सैंपल लिया गया और उसको मिक्स कर दिया गया, और उसका COVID-19 टेस्ट किया गया। अब अगर मिक्सचर का टेस्ट COVID-19 पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि इन 10 में से किसी एक व्यक्ति को COVID-19 हो चुका है, तो इंडिविजुअल लेवल पर टेस्ट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि मिक्सचर का टेस्ट निगेटिव आया है, इसका मतलब उन 10 में से किसी भी व्यक्ति को COVID-19 नहीं हुआ है, तो आगे टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो टेस्ट आगे तभी किया जाएगा जब COVID-19 पॉजिटिव पाया जाएगा मिक्सचर का, तब इंडिविजुअल लेवल पर टेस्ट किया जाएगा। और इससे क्या होगा पूल टेस्टिंग से, कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी है। मान लीजिए 2500 लोगों का टेस्ट होता है इस समय, तो पूल टेस्टिंग के द्वारा पर डे 25,000 लोगों का टेस्ट हो सकेगा, और इसके साथ ही टेस्ट करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल में ही किस संस्थान के द्वारा फ्री टू एयर DTH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण किया जाएगा? तो हाल में ही NIOS ने फैसला लिया है कि वह फ्री टू एयर DTH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करेगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है, NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने पूरे देश में हुए लॉकडाउन की वजह से बच्चों का जो पढ़ाई में नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए ये फैसला लिया है कि वह फ्री टू एयर DTH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करेगा, और इसके लिए NIOS जो है स्वयं प्रभा DTH चैनल पाणिनि, चैनल शारदा, चैनल किशोर मंच के माध्यम से स्काइप के जरिए लाइव सेशन प्रसारण करेगा। तो ये NIOS की एक अनूठी पहल है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए इसने शुरू किया है, जिसमें कि ये फ्री टू एयर DTH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करेगा। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान को कम करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कि 9वीं से 12वीं कक्षा के विभिन्न छात्रों को स्वयं MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म के जरिए से ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से उनको पढ़ाई में दिक्कत ना हो।
और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो इनका नाम जरूर से याद रखिएगा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो नई पहल शुरू की है उसका नाम है स्वयं MOOC, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाल में ही कौन COVID-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है? तो हाल में ही COVID-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। गोवा ने हाल में ही COVID-19 के मरीजों और वो लोग जो कि क्वारंटाइन है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया है, और ऐसा करने वाला गोवा पहला राज्य बना है। गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के संबंध में जारी वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है? तो हाल में ही केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश के पर्यटन स्थलों के संबंध में एक वेबिनार श्रृंखला जारी की है जिसका नाम है देखो अपना देश। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। पर्यटन मंत्रालय ने हैशटैग देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है, और इस वेबिनार श्रृंखला में पहले एपिसोड में दिखाया गया सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी, इसको याद रखिएगा। ये पहला एपिसोड था जिसमें कि दिल्ली के लंबे इतिहास के बारे में दिखाया गया था। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो पर्यटन मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मात्र 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का प्रथम मोबाइल एप्लीकेशन कौन है? तो मात्र 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का प्रथम मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु बन गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। हाल में ही नीति आयोग ने बताया था कि आरोग्य सेतु ऐप सबसे कम समय में 50 मिलियन से अधिक डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन बन गया है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित एक समिति के द्वारा बनाया गया था, और इसका उपयोग जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए किया जा रहा है, और इसने मात्र 19 दिनों में 50 मिलियन से अधिक डाउनलोड किया जा चुका है इस एप्लीकेशन को। और निटेंडो ने एक लोकप्रिय एप्लीकेशन बनाया था पोकेमन गो, जिसका रिकॉर्ड इस एप्लीकेशन ने डाउनलोडिंग के मामले में तोड़ दिया है। तो याद रखिएगा 50 मिलियन से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं आरोग्य सेतु के। इसी प्रकार से कुछ अन्य एप्लीकेशन बनाई गई हैं, जैसे कि सिंगापुर सरकार ने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए ट्रेस टुगेदर नाम की एक एप्लीकेशन बनाई है, इसको याद रखिएगा। ट्रेस टुगेदर एप्लीकेशन सिंगापुर सरकार ने बनाई है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए, और गूगल और एप्पल भी साथ में मिलकर के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल में ही किस देश को एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी के लिए चयनित किया गया है? तो हाल में ही भारत को एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी के लिए चयनित किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल में घोषणा की थी कि नवंबर दिसंबर 2020 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा, और ये जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये 2 साल में एक बार होती है। पहले ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होती थी, परंतु ये अब 2 साल में एक बार होती है। और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 8, 3D डिजाइन हेतु कोलैब कैड नामक सहयोगी नेटवर्क किसने आरंभ किया है? तो हाल में ही कोलैब कैड नामक एक सहयोगी नेटवर्क शुरू किया गया है, और इसको 3D डिजाइन बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसको NIC और नीति आयोग ने मिलकर के बनाया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने मिलकर के कोलैब कैड नामक एक सहयोगी सॉफ्टवेयर प्रणाली शुरू की है, और इसका काम होगा 2D डिजाइन को 3D में कन्वर्ट करना, और इसके लिए एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रदान करेगा। इस सॉफ्टवेयर का यूज अटल टिकरिंग लैब्स के छात्र कर सकेंगे। अब आइए नीति आयोग के विषय में जान लेते हैं। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसके पहले योजना आयोग नामक एक संस्थान काम करता था, उसको बंद कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं प्रेजेंट टाइम में,
इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एनआईसी के विषय में जान लीजिए, एनआईसी की महानिदेशक है नीता वर्मा और एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समानता दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समानता दिवस मनाया जाता है। और हाल में ही 14 अप्रैल 2020 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई। और बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। इनको आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता समिति में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानी प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, तो इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जो भारतीय रेलवे में सैनिटाइजिंग चैनल स्थापित करने वाला पहला स्टेशन बना है। तो अभी हाल में ही अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने सैनिटाइजिंग चैनल स्थापित की है और ये पहला रेलवे स्टेशन है जिस पर सैनिटाइजिंग चैनल बनाई गई है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। और इस कैंपेन का नाम है वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल। और इसको जो है गुजरात के कालूपुर के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है और ये पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल।